शशि कपूर के पार्थिव शरीर को मंगलवार सुबह कोकिलाबेन अस्पताल से उनके घर जानकी कुटीर लाया गया। अंतिम दर्शन के लिए कुछ देर तक उनका शव पृथ्वी थिएटर में भी रखा गया। शशि का पार्थिव शरीर तिरंगे में लपेटकर सांता क्रूज शमशान ग्रह तक पहुंचा। उनके बेटे कुणाल करण और बेटी संजना के साथ भतीजे रणधीर कपूर, ऋषि कपूर और रणबीर कपूर समेत परिवार के लोग और रिश्तेदार मौजूद थे। इस दौरान पुलिस ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए थे। मुंबई पुलिस ने पारंपरिक तरीके से पार्थिव शरीर से तिरंगे को अलग किया। इसके बाद पुलिस की एक टुकड़ी ने 3 राउंड फायरिंग कर आखिरी सलामी दी। मौके पर मौजूद लोगों ने 1 मिनट का मौन कर शशि को श्रद्धांजलि अर्पित की। अंतिम संस्कार के वक्त बारिश के बावजूद हजारों की संख्या में शशि के प्रशंसक डटे रहे। शशि कपूर को अंतिम विदाई देने वालों में प्रमुख रूप से अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, श्याम बेनेगल, शाहरुख खान, सैफ अली खान, संजय दत्त, नसीरुद्दीन शाह, अनिल कपूर, आमिर खान और कई दूसरे सितारे मौजूद रहे। सभी की आंखें नम थी। एक अच्छे इंसान के बारे में क्या कहूँगा, उसे सीखना चाहिए जूनियर्स को कि कलाकार तो बहुत है दुनिया में, लेकिन साथ में जितने अच्छे कलाकार है उससे अच्छे इंसान होना बहुत बड़ी बात है। दुख तो पूरी इंडस्ट्री के लिए है और सब लोग मिस करेंगे शशि कपूर साहब को। शशि कपूर के निधन पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, पीएम नरेंद्र मोदी समेत कई राजनीतिक हस्तियों ने शोक जताया। शशि कपूर ने हिंदी सिनेमा की 160 फिल्मों में काम किया। 1984 में पत्नी जेनिफर की कैंसर से मौत के बाद शशि कपूर काफी अकेले रहने लगे थे। उनकी तबीयत भी बिगड़ती गई। बीमारी की वजह से शशि कपूर ने फिल्मों से दूरी बना ली। साल 2011 में शशि कपूर को भारत सरकार ने पद्म भूषण से सम्मानित किया था। 2015 में उन्हें दादा साहब पुरस्कार भी मिल चुका था। कपूर खानदान के वो ऐसे तीसरे शख्स थे जिन्हें ये सम्मान हासिल हुआ था। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।